NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है. मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और मेरे साथ खास मेहमान हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं. जी हां, मनोज तिवारी जी, फिल्म अभिनेता से लेकर भारतीय राजनीति में एक मुकाम पर पहुंचे मनोज तिवारी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई जीत के लिए. आपने तो पूरा खुट्टा ही उखाड़ दिया आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का. थोड़ा सा है, वो भी फरवरी में उखड़ जाएगा. ये कैसे उखड़ गया इतना? उनके करनी से उखड़ा है. श्रीकांत जी, आपने तो जनता के सेवकों को बहुत करीब से देखा है. आपका इतना लंबा जीवन रहा है, आपकी रिपोर्टिंग देख देख के हम लोग कई बातों को समझे हैं कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, कैसे चलना चाहिए पॉलिटिक्स, कैसे होने चाहिए जनसेवक. पहली बार मैंने दिल्ली में महसूस किया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को बीमारी देकर के राजनीति करना चाहता है, शिक्षकों का वेतन रोक करके राजनीति करना चाहता है, चाहते हैं, मैं चाहता है ये भाषा नहीं बोलना चाहता हूँ. वो जितने MCD के कर्मचारी हैं उनको वेतन रोक करके, जो IAS IPS ऑफिसर हैं उनको धमकी दे करके, और एक ऐसा नीति निकाला कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिखित संविधान को कुछ समझते ही नहीं. ऐसे में 5 साल में 49 दिन उधर, लगभग 4.5 साल इधर, दिल्ली के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं. हमने थोड़ी उंगली पकड़ के कहा कि आम आदमी पार्टी का जमानत जब्त कराइए. आप सोचिए, जो पार्टी 70 में 67 सीट लेके आई हो और वो मात्र तो 2.25 साल बाद ही जब MCD का चुनाव हुआ, 67 पार्षद नहीं आए उसके. MCD के चुनाव से ही आपने शुरुआत कर दी थी उनके पतन की कहानी लिखने. उनके पतन की कहानी मैं थोड़ी लिख रहा हूँ, वो खुद लिख रहे हैं और पता नहीं किस नशे में है. वो आदमी MCD को फंड नहीं देगा, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे तब वो बैठ के मुस्कुराएगा, देखो देखो मैंने BJP को नीचा दिखाया. अरे, कूड़ा नहीं उठेगा, बच्चे बीमार होंगे, लोग अस्पताल में जाएंगे, लोगों की सांसें थम रही हैं, और अरविंद केजरीवाल, यू आर एंजॉइंग. तो ये करनी जो है, साफ पानी के लिए दिल्ली तरस रही है. आपको मैं ऐसा ऐसा दृश्य दिखाऊंगा, मैं रियलिटी चेक करने जाता हूँ. मैं झुग्गियों में रहता हूँ, 21 दिन झुग्गियों में रह चुका हूँ. झुग्गियों में शाम को 8 बजे जाता हूँ, चौपाल लगाता हूँ, बात करता हूँ, वहीं खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, उन्हीं का शौचालय यूज करता हूँ. नहीं होता है 3 किलोमीटर दूर जा कर के शौचालय लोग यूज करते हैं, उसको देखता हूँ. तब पता चलता है कि ये तो लोगों को ये भ्रम है कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं. जब उनको मैंने समझाया कि मैं मोदी का सिपाही हूँ, मेरा बजट 5 करोड़ है और अरविंद केजरीवाल का बजट 53,000 करोड़ है, तो 5 करोड़ वाला दोषी कि 53,000 करोड़ वाला दोषी, तब लोगों को समझ में आता है, अरे बाप रे बाप, ये ऐसी समस्या है. नहीं तो मनोज तिवारी ने कम से कम उन लोगों तक अपनी बात तो पहुंचाई, अपनी सरकार की बात, जो मान रहे थे कि केजरीवाल सही कह रहे हैं, उनकी बात केजरीवाल कर रहे हैं, उनके लिए पहुँचाई. आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक कितनी बड़ी योजना शुरू की कि कोई भी होगा बीमार तो 5 लाख रुपया तक इलाज कराएगी मोदी सरकार. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में उसको रोक दिया, अरे नहीं नहीं नहीं, इसे मोदी का नाम हो जाएगा. तब दिल्ली ने कहा, अरे दिल्ली के अभिशाप अरविंद केजरीवाल, ये तो सोच कि गरीबों का काम हो जाएगा. नहीं माने, लो चुनाव आने दो, डिलीट बटन, डिलीट बटन. मोहल्ला क्लिनिक के अंदर में रियलिटी चेक करने गया, इन्होंने कहा था 1,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे. अभी टोटल बोले कि जब RTI लगवाया मैंने तो इनका पता लगा कि 163 बनवाए हैं. 163 में जब मैं रियलिटी चेक किया करने गया तो एक हीरोइनची मिला, हीरोइन पी रहा था उसी में, एक जगह खच्चर बंधा हुआ था, एक जगह कुछ मवेशी बंधे थे, और बाहर अरविंद केजरीवाल का और मदर टेरेसा का फोटो लगा के रखे हुए. आप लोगों को इतना बेवकूफ बना रहे हो. एक दिन पता चला कि 34 सेकेंड में एक मरीज देख लिया गया,
मैंने कहा ये चक्कर क्या है, तो पता चला कि एक मरीज को देखने के लिए 36 रुपया लेती है, गवर्नमेंट देती है। तो उसने खाली लिखवाने के लिए दिखा दिया कि 1000 लोग देखे गए, और डॉक्टर बैठा था जितना देर उसके आधार पे आया 1 आदमी पे 34 सेकेंड। हमने कहा ये देख रहे हो या देख रहे हो, ये तो ऐसा डॉक्टर के लोगों ने कहते ये डॉक्टरवा देखिए दी। तो वो ऐसी व्यवस्था चल गई। लेकिन केजरीवाल के लोगों का कहना है कि मनोज तिवारी झुग्गी झोपड़ी में घुस जाता है, मनोज तिवारी गरीब लोगों की थाली में खाते हुए लोगों को उनकी थाली में हाथ लगाकर खाना टेस्ट करने लगता है कि खाना कैसा है, खराब है, बढ़िया है। तो भावनात्मक रूप से मनोज तिवारी ने तोड़ा है उनके लोगों को। आप लगातार सपना दिखा रहे हो, अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करेंगे, आप लगातार सपना दिखा रहे हो हम घर घर पानी देंगे, पानी की समस्या, पानी फ्री में मिलेगा, पानी भी चेक करने लगते हैं पी करके घर घर में जाकर झुग्गी झोपड़ी में। हाँ, अब उसका कारण ये हुआ कि जैसे मैं कहीं जाता हूँ लोग बोतलों में पानी लेके खड़े होते हैं, ब्लैक पानी, सीवर का पानी, गटर का पानी। श्रीकांत जी, मैंने जो तस्वीर देखी है ना, वो मैंने सिर्फ पत्रकारों को, जो ओपिनियन मेकर जो लोग हैं ना, उनको बताना शुरू किया। उतने में पूरा वो कौन जो अमेरिका से कि कहाँ से एक यूनिवर्सिटी के लोग आए थे, वो लोग भी कह रहे ये क्या है। मैंने कहा 4 ठो मोहल्ला क्लिनिक ठीक बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये आदमी सिर्फ नमूना पे चल रहा है, इसलिए अब नमूना बन गया, बाकी सब झोल ही है, सब झोल है, सब झोल है, अंदर से मामला सब गोल है, और आम आदमी पार्टी की नीयत में बहुत बड़ा होल है। मनोज जी, आपको लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता मिली, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम आम आदमी जो दिल्ली के जन सामान्य लोग हैं, हम उनके दरवाजे पे फ्री हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना शुरू किए। हमने उन लोगों के लिए एक योजना शुरू हुई कि हम घर घर टॉयलेट बना देंगे, 12,000-14,000 रुपया देंगे। हमने घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाना शुरू किया, एकदम से अफरा तफरी मच गई। हमने अपने क्षेत्र में, मैंने 142 करोड़ रुपया मुद्रा लोन में बांटे। हम लोगों ने अपने यहाँ ये चेक करना शुरू किया कि कौन सी सड़क NHAI है, क्योंकि PWD के तो हम नहीं बना सकते। NH24 हमने 18 महीनों में बना करके दे दिया, और 1.5 लाख ट्रकों को दिल्ली से बाहर कर दिया। मोदी जी दिन में आकर के उस पर उसका उद्घाटन किए थे। तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली हमको समझ गई कि भैया हमने 15 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, और दिल्ली में BJP को ना ला के बहुत भूल कर दिए। 2014 में दोनों से आस था, मोदी जी से भी, अरविंद केजरीवाल से भी। एक जिससे आस था मोदी से, वो विश्वास बन गया, दूसरा अभिशाप बन गया। लेकिन कहा, जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पाकिस्तान का डर इतना दिखा दिया कि लोगों ने डर के वोट कर दिया मोदी के लिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा क्या है? हम लोग किसी पे अटैक करते ही नहीं हैं, तो शांति पसंद लोग हैं। नहीं, डर दिखा के, हम डर दिखाते नहीं, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप निर्दोष लोगों को अगर आपने अटैक किया तो अब भारत नया भारत बन चुका है, हमको घर में घुस करके भी मारना हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। हम इसमें डर दिखाने की क्या बात है, पाकिस्तान को भारत से डर होना भी चाहिए। जो लोग आतंकवादी हैं उनको भारत से डर होना चाहिए, भारत के सैन्य शक्ति का डर होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगे, अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट किया, राहुल गांधी ने सपोर्ट किया। अब इसके बाद भी उनको लगता होगा कि उनका मन देशद्रोहियों के प्रति सहानुभूति है, तो इस देश का नहीं है, वो तो एकदम टुकड़े टुकड़े गैंग को ठोक ठोक के ठीक कर देंगे। मनोज जी, पूरे देश के मान लें गांव देहात के इलाके के लोग भावनात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, डर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग क्यों डरेंगे? वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फिर इस दिल्ली में कैसे आपने परचम लहराया ये बताइए जरा, एकदम छिपाइएगा मत। नहीं, हमने सिर्फ इतना ही किया कि हम अपनी बात पॉजिटिविटी के साथ करते रहे, और अरविंद केजरीवाल के निगेटिविटी का अंत हो गया। उम्मीद थी इतनी सफलता? हाँ, मुझे शुरू से पता था कि हम 7-7 जीतेंगे। आप आउटलुक में मेरा पढ़िएगा इंटरव्यू, मैंने पहले ही कह दिया था कि हम दिल्ली की 7-7 सीटें फिर से जीतेंगे, क्योंकि अब दिल्ली बहुत समझदार है, दिल्ली भोली है,
2015 में झांसा में आ गई अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के नाम पे ठगा। आज अन्ना हजारे जी खुद ठगे ठगे से हैं। तो ये दिल्ली को तो थोड़ा समझाना था, और आज आपसे बता रहे हैं कि हम जीते हैं 7 में 7 और फरवरी में बीजेपी की सरकार बनेगी, हम जीतेंगे 70 में 60। अरे लोकसभा के बाद विधानसभा पर आपका निशाना है? हमारा चुनाव खत्म ही नहीं हुआ है, प्रचार ही करके आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम तो अभी देखिए, हमारा कल भी, हम आपको एक दृश्य दिखाना चाहते हैं जहाँ पे हमने ये लोगों को, मैंने जब उनसे बात करी तो हमारा प्रचार जारी है हमारा, देखिए ये लोकसभा चुनाव अभी जीते हैं, जश्न का माहौल है और आपने विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी। हाँ, ये देखिए हमारा प्रचार जारी है। ये तो ये लोकसभा के, विधानसभा का नहीं, ये विधानसभा का शुरू हो गया भाई। सब लोग लोकसभा की चुनाव की बधाई दे रहे हैं और आप विधानसभा में घुस गए। हाँ, तो शुरू हो गया ना, देखिए ये देख रहे हैं ना भैया, ये देख रहे हैं ना। आपको तो आश्वस्त रहना चाहिए कि आपकी दिल्ली है। अरे ये बड़ा बड़ा साजिशबाज है अरविंद केजरीवाल, इसका दिमाग कहाँ है, खोपड़ा कहाँ है, इसके नाखून में भी साजिशी खोपड़ा चलता है। इसलिए हम दिल्ली को समझाएंगे, एक दिन भी नहीं बिताएंगे कि कहीं ये नया जहर न बोदे। लेकिन दिल्ली के लोग और पूर्वांचल के लोग खासतौर पर आपको तो बहुत ऊपर देखना चाहते हैं, मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। मामला मुख्यमंत्री का नहीं है, मामला है कि इस दिल्ली के अभिशाप अरविंद केजरीवाल को हटाइए। पोस्टर लग रहे हैं दिल्ली में कि आओ भूल सुधारें, दिल्ली के अभिशाप को गद्दी से उतारें। लेकिन झुग झुपड़ियों से आवाजें भी आ रही हैं कि मनोज तिवारी जैसा हो, सीएम कैसा हो। नहीं, हमारे यहाँ आप तो जानते हैं बीजेपी में इस नीयत से कोई नहीं काम करता कि हमको सीएम बनना है। इस नीयत से करिए कि नरेंद्र मोदी की सोच हमें दिल्ली के गली गली पहुँचा देनी है, हमें दिल्ली के सपनों की दिल्ली बनानी है, सर्वश्रेष्ठ दिल्ली बनानी है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, देश में मोदी, दिल्ली में भाजपा, तभी बनेगी बात। इसीलिए प्रार्थना है दिल्ली चले मोदी के साथ, और चलने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल के साजिश और भ्रम से सतर्क रहिए, और राहुल गांधी के किसी नए छल से सतर्क रहिए। चलिए, तो आपने मनोज जी को सुन लिया, भले दिल्ली की जनता चाहती है कि मनोज तिवारी केजरीवाल की जगह दिल्ली की गद्दी संभालें, लेकिन मनोज तिवारी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता ही नहीं है, उनकी प्राथमिकता ये है कि दिल्ली पर भाजपा काबिज हो और पूरे देश में मोदी मोदी। जी हाँ, जिस मोदी के सहारे बीजेपी ने पूरे देश में धूम मचा दी है, प्रचंड बहुमत मिला है। आपको मनोज तिवारी के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और उसकी बदौलत सिटी पोस्ट बिहार झारखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल बन चुका है। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।